एक मिनट गंदा कर दिया मुझे लगता है इसे बी हार्डअप में ये जो हार्डअप है ये ये एक है है और ये बी का मतलब सिर्फ ही नहीं है। बी के कोई भी बी, 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 कुछ भी हो सकते हैं तो हार्डअप का मतलब ये होता है बींग पुअर गरीब होना है ना नो मनी ठीक है ना जैसे मैंने बोला कि तो so का मतलब ये निकल गया आपका कि मैं इतना गरीब हूँ सकता hard up मतलब पुअर होना तो क्या इनमें ऑप्शन होना चाहिए सही एक बार देख के आप बताएं अनएबल टू कैलकुलेट नहीं ये तो कैलकुलेशन से रिलेटेड वर्ड नहीं है लिटिल मनी यस वेरी लिटिल मनी मतलब न केवल पैसे का होना यही सही ऑप्शन है देखिए मैंने उसको लिख भी दिया यहाँ पे बी हार्डअप मीन आर बी मीन शॉर्ट ऑफ मनी पैसे की उनको खरीदने के लिए से मैं गरीब हूँ पुअर हूँ पैसा नहीं है कि उन्हें नहीं खरीद सकता ये दिया गया आपका पुअर शॉर्ट ऑफ मनी शॉर्ट ऑफ कैश इम्प्रोवाइज ये इसका मतलब है ठीक है ना आई आगे बढ़ते इसमें अगलेम की तरफ अगला आपका दिया हुआ है इन द सेम ब्रेथ सांस एक ही सांस में कोई बात बोल जाना आप कई बार कुछ लोगों को देखते होंगे कि बोलते होंगे एक ही सांस में कई सारी बातें और अपनी ही बातों को कॉन्ट्राडिक्ट करने लगते हैं कि एक बार बोल रहे हैं ये एक बार बोल रहे हैं उसी उसी सांस में बात कंप्लीट करते हैं तो आप बोलते हैं कि यार गजब आदमी हो अभी कुछ देर पहले तुमने ही बोला था कि तुम तुम्हें ये काम पसंद नहीं हो तुम खुद कर भी रहे हो तो एक ही सांस में हालांकि प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल कि एक ही बार में दोनों दो बातें कह देना एक ही बार में दोनों बातें कह देना इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल लेकिन एक इतना गैप इतना कम होता है कि एक ही सांस दोनों बातें कह देना तो माना जाता है कि बातेंटरी स्टेटमेंट को देना तो in the same breath का मतलब है क्या? टू तो हो गया कह दिया हुआ है यू से ही ट्रीट यू बैडली तुम ये कहते हो कि वो तुम्हारे ये एग्जाम्पल है उसके लिए फॉर एग्जाम्पल मान लें इसे तुम ये कहते हो कि वो तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करता है बट इन द सेम ब्रेथ और एट द सेम टाइम तुम ये भी कहते हो क्या यू यू टेल मी यू टेल मी क्या बताते हो हाउ मच यू लव हिम कि तुम तुमसे कितना प्यार करते हो मतलब कि बातें तो कॉन्ट्रोडिक्ट्री होगी ना आप ये बता रहे हैं इसमें कि कोई इंसान है जो कि तुम्हें बैडली आपके साथ बैडली बिहेव कर रहा है और आप ही ये भी बता रहे हैं कि बैडली बिहेव कर रहा है बैडली बिहेव कर रहा है तुम्हें भी बता रहे हो कि तुमसे कितना प्यार करते हो तो मतलब क्यों कॉन्ट्रोडिक्ट्री स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हो इन द सेम ब्रथ का मतलब ये हो गया टू से टू कॉन्ट्रोडिक्टी स्टेटमेंट्स एट द सेम टाइम आगे केक वॉक केक खाने वाला के वाक. केक होता है ना वॉक केक वॉक क्या है केक वॉक का मतलब होता है वेरी इजी टास्क फॉर एग्जाम्पल लर्निंग इंग्लिश इज अ केक वॉक फॉर दोज हु वर्क हार्ड जो कठिन परिश्रम करते हैं उनके लिए इंग्लिश को सीखना आसान काम हो जाता है तो इसके लिए सही ऑप्शन क्या होना चाहिए इसमें आप देखेंगे तो यहां पाएंगे टू समथिंग टेस्टी नहीं समथिंग ईजी ऑप्शन नंबर टू इन्हें याद कर लीजिएगा इनकी पीडीएफ मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा इंग्लिश बाई रवि प्रजापति सर ये मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है इंग्लिश बाय रवि प्रजापति सर इसमें आप लोग जुड़ जाइएगा इसी में इसकी पूरी पी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा तो केक का मतलब क्या हो गया अ वेरी समथिंग दैट इज वेरी इजी ऑप्शन नंबर टू लेट्स गो अहेड एग्जाम्पल नंबर फोर है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट है तो क्या देखते हैं द चेयरमैन ऑफ आर कंपनी टेक्स केयर ऑफ इट टेक केयर ऑफ ए

ऑर्डिनरी पीपल जो अधिकारी ना हो तो कौन सा होगा बनेगा इसमें सामान्य लोग ये बनेगा ऑर्डिनरी पीपल यानी कि जो कंपनी के चेयरमैन है वो लीडर्स का तो केयर करते हैं लेकिन जो वर्कर्स हैं वहां के जो सामान्य जो बहुत लो लेवल के एम्प्लॉय है उनका भी ध्यान देते हैं तो रैंक एंड फाइल इन इन द कंपनी मींस ऑर्डिनरी पीपल इन द कंपनी आइए आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर फाइव को जरा पढ़ के आप आंसर करें

खाऊं इसको मैं मतलब इतना ज्यादा मुंह में ले लिया कि उसको चबा ही नहीं पा रहे हैं इसे कहते हैं इतने ज्यादा रेस्पॉसिबिलिटीज है नहीं है इतनी ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटीज है इतने ज्यादा वर्कलोड को लेना जितना कि आप संभाल ना पाए जितना कि आप हैंडल ना कर पाए तो क्या होना चाहिए इसमें कि मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे कर रहा हूँ काम अब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने प्रेजेंट परफेक्ट है ये बाइट का बिट थर्ड फॉर्म बिट एन ऑफ मोर देन आई कैन चीव मतलब मैंने इतना काम ले लिया जितना मैं हैंडल ही नहीं कर सकता कौन सा ऑप्शन होगा टू टेक ऑन मोर देन वन

बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू का मतलब क्या है? ये ईडीएम है आपका बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू टू ट्राई टू डू समथिंग दैट इज टू डिफिकल्ट फॉर यू मतलब एक ऐसी चीज जो आपके लिए करना बहुत ही कठिन है उसको भी जबरदस्ती करने की कोशिश करना ठीक है तो आगे बढ़ते हैं आज सीजियल 2021 प्री में जितने भी ईडीएम आए हुए हैं इस वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा पूरी वीडियो ध्यान से देख लीजिएगा इट इज़ गुड टू टेक इं टू टेक इं टू अकाउंट तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये बहुत ही सिंपल है टेक इं टू ओके डोंट वरी डोंट वरी आई विल टेक इं टू अकाउंट इट आई विल टेक इं टू अकाउंट द मैटर मतलब मैटर को मैं विचार करूंगा मैटर को कंसिडर करूंगा तो इसका तो कंसिडर ही होगा आपका इट इज़ गुड ये बहुत अच्छा है ये अच्छी बात है कि मैटर को ऑल द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स फैक्टर्स को जो है कि जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उनको कंसिडर करना चाहिए बिफोर मेकिंग अ डिसीजन ये बहुत अच्छी बात होती है कि अगर आप कोई भी डिसीजन लेते हैं तो उस डिसीजन से पहले जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं उन फैक्टर्स के बारे में आप सोचते हैं क्योंकि जो भी चीज़ें हैं आप करने जाते हैं अगर इफ़ यू टेक अ डिसीजन इन अ हरी तो डिसीजन मे गो रॉन्ग यू शुड टेक टाइम यू शुड

उस, उस आपका अपेयरेंस उससे मैच कर रहा हो या फिर आपका कैरेक्टरिस्टिक उससे मैच कर रहा हो उसे कहते हैं तो टेक आफ्टर तो क्या हो गया इफ़ यू टेक आफ्टर समबडी मतलब क्या हो टू बी सिमिलर इन अपेयरेंस ऑप्शन नंबर ए टेक आफ्टर टू बी सिमिलर टू एन ओल्डर मेंबर ऑफ योर फैमिली इन अपेयरेंस और कैरेक्टर मतलब आपका कैरेक्ट आपका करेक्टर या फिर आपका अपेयरेंस आप ही के परिवार में आप ही के रिलेशन में किसी से मिलता जुलता हो ठीक है ना तो एग्जाम्पल है ही टेक्स आफ्टर हीज मदर वो जो लड़का है वो अपनी माँ जैसा दिखता है या अपनी माँ के साइड के जो फैमिली के लोग हैं उनसे मिलता है कई बार होता है ना बच्चे पैदा होते हैं तो कई बार दादी में चले जाते हैं दादा टाइप के दिखने लगते हैं चाचा टाइप के दिखने लगते हैं तो वो लेकिन कोई बच्चा ऐसा भी तो चाहता ना कोई ननिहाल जहाँ है ननिहाल के साइड के लोगों नानी से मिले मामा से चेहरा मैच कर जाए या

अगर स्पोर्ट्समैन है आप खेल रहे हैं तो खेलते होंगे हॉकी वगैरह फुटबॉल वगैरह फाउल हो गया फाउल मतलब क्या गलत हो गया आपने फॉलो नहीं किया फाउल बैडली बैड स्मेल भी हो सकता है आपका खराब बदबू आए कोई बहुत ही बुरी चीज़ हो सकती है वेरी बैड या फिर अनप्लेजेंट थिंग्स भी हो सकते हैं अनप्लेजेंट थिंग्स समथिंग रिलेटेड टू तो क्राइम भी हो सकता है लेकिन जब यह फाउल प्ले के साथ आता है तो ये एक बनता है इडियोमेटिक एक्सप्रेशन फाउल प्ले का मतलब सिर्फ इतना निकल जाएगा आपका कि खेल वगैरह में स्पोर्ट्स वगैरह में यू डोंट फॉलो द रूल्स अनफेयर और डिसऑनेस्ट बिहेवियर अ बैड स्मेलिंग स्मेल होता है लेकिन खेल की बात हो रही है इसलिए ये नहीं हो सकता अनप्लेजेंट वेदर की बात तो है नहीं अ ड्रामा विच इज बैडली प्रोड्यूसड नहीं अनफेयर और डिसऑनेस्ट बिहेवियर ये बनेगा ऑप्शन नंबर वन फाउल की मैंने क्या लिखा है वेरी बैड अनप्लेजेंट अगेंस्ट द रूल्स ऑफ स्पोर्ट प्लेयर्स आर वॉन्ट देखिए पैसों का स्ट्रक्चर दिया गया है Players को चेतावनी दी गई थी दो दो बार फॉर फाउल फाउल प्ले क्यों, प्ले गड़बड़ गड़बड़ कर तो ना खेलो स्पोर्ट्स के के रूल्स मतलब वर्ब भी होता है, है। वर्ब वाली मीनिंग मैंने लिखी है।, वेन का मतलब क्या? मतलब कोई चीज़ है जिसका प्रभाव कम होने लगा है उसे कहते हैं तो ऑन द वे अगर आपने यूज कर दिया तो इसका मतलब यह है कि द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग वीकर प्रोसेस ऑफ बिकमिंग लेस स्ट्रांग प्रोसेस ऑफ डिटेरियटिंग द क्वालिटी ऑफ समथिंग सम क्वालिटी को खराब करना यही बन गया तो ऑन द वे का मतलब क्या है जो खराब हो जिसके महत्व तो कम किया जाए तो ऑन द वे तो है नहीं टॉप और राइज तो हो नहीं चाहता ऑन द डिक्लाइन वही मतलब है तो क्या लिखा ही वॉज नॉ नॉमिनली डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर सर्टेनली मतलब वो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर तो है लेकिन लेकिन क्या बट हिज उनका जो प्रभाव है ऑन द लॉन्ग शॉर्ट लॉन्ग मतलब निशाना लगाना अरे यार कागरू, बड़ा निशाना मारे हो बड़ा लंबा निशाना मार दिए बोलते हैं ना किस सेंस में बहुत लंबा निशाना अगर मार दिया तो बहुत बड़ा रिस्क ले लिया यानी कि आपने एक बहुत ही बड़ी कोशिश की एक अच्छा प्रयास किया जिसमें सफलता के चांसेस तो ना के बराबर हैं क्योंकि भाई अब ऐसे तुक्का मार दिया या बहुत लंबा कोई शॉट गेम में भी अगर मार दिया तो वो आप कैच आउट भी हो सकते हैं क्रिकेट के में और आपके आपका सिक्स बाउंड्री भी पार हो सकता है तो यही है कि लॉन्ग शॉट का मतलब यह निकला आपका कि लिटिल चांस ऑफ सक्सेस देखिए मैंने इसके यही बनेगा प्रॉफिटेबल तो नहीं होगा परफेक्ट एम भी नहीं होगा करेक्ट प्रिडिक्शन भी नहीं होगा यहाँ देखें लॉन्ग शॉट का ये सही डेम एन अटेम्प्ट एक प्रयास या फिर एक अनुमान घिस का मतलब अनुमान है दैट हैज ऑनली द स्लाइटेस्ट चांस एक ऐसा अनुमान या एक ऐसा प्रयास स्लाइटेस्ट चांस मीन्स मतलब बहुत ही कम चांस है ऑफ सक्सीडिंग और बींग्यूरेट कि वो सही हो और उसमें सफलता मिले आपको जैसे एग्जाम्पल लिखा इट्स अ लॉन्ग शॉट इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग शॉट मतलब प्रयास तो अच्छा रहा आपका बट वेल well, मतलब प्रयास तो आपने किया है लेकिन चांसेस कम है सफल होने के लेकिन बोलते ठीक है कोशिश की तुमने सफलता के चांसेस तो कम है लेकिन ट्राई अच्छा किया कई बार जब आप मैच खेलते हैं आपके अपोनेंट से आप हार भी जाते हैं लोग बोलते हैं ना गो के नो प्रॉब्लम हार जरूर गए हो तुम लेकिन कोशिश अच्छी थी वैसे कोशिश अच्छी की सफलता का चांसेस कम है लेकिन कोशिश अच्छी थी तुम्हारी तो लॉन्ग शॉट मतलब लिटिल लिटिल मतलब होता है ना के बराबर देखिए दो टर्म्स याद रखिएगा डिटर्मिन एक है अ लिटिल दूसरा है लिटिल इसका मतलब होता है हार्डली एनी हार्डली एनी मीन न के बराबर करता करता है है कुछ यानी कि ये एक लेट्स गो अहेड एग्जाम्पल नंबर इलेवन डार्क हॉर्स स्पोर्ट्स वगैरह में जो घोड़ों की जो रेस होती है तो उसमें जो उनके मालिक होते हैं यह अनुमान लगा पाना बड़ा कठिन होता है कि यही घोड़ा जीतेगा तो डार्क हॉर्स का मतलब ये अ पर्सन एक ईडियम की तरह यूज किया गया अ पर्सन विद अनएक्सपेक्टेड अबिलिटी दैट इज शोन एट द टाइम ऑफ कॉम्पिटिशन मतलब आपको पहले से पता नहीं है लेकिन जब जरूरत पड़ गई तब वो क्वालिटी दिख गई तो मतलब अ पर्सन विद हिडन अबिलिटी कहीं है तो ऑनेस्ट होने की बात तो चल नहीं रही है मेन पर्सन मतलब चिरकुट घटिया आदमी स्लो रनर मतलब दौड़ने वाला अनएक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड विनर एक ऐसा विजेता जिसमें मतलब कि उम्मीद नहीं था ये करेगा वही कर ले गया है, है, है। लेकिन भाई डोंट वरी मतलब अवार्ड इसी को मिलेगा भले अभी ना दिखाई दे रहा हो लेकिन मूवी रिलीज तो दे एक बार। स्टोन्स थ्रू। स्टोन मतलब होता है पत्थर थ्रू मतलब फेंकना स्टोर पत्थर को फेंकना पत्थर की फेंकी हुई दूरी पत्थर को फेंक देंगे कहीं पे कहीं भी पत्थर जाएगा तो आप क्या बोलेंगे कि अरे बहुत पास ही में घर है तो पत्थर फेंकेंगे अगर आप तो बहुत दूर जाएगा नहीं आपके हाथ से तो पत्थर की फेंकी हुई दूरी मतलब पास में वेरी नियर कहीं है शॉर्ट डिस्टेंस लार्ज हर्डल तो है नहीं ये भी नहीं ये भी नहीं तो बचा गया शॉर्ट डिस्टेंस ठीक है ये ईजी है इस वजह से इनके मतलब वो नहीं दिया मैंने एग्जाम्पल्स आप बोल सकते हैं राजू इज अ डार्क हॉर्स इन द क्लास क्लास में वो डार्क हॉर्स है मतलब चुपचाप बैठा रहता है यह मैं समझना कि लल्लू है वो एग्जाम जब आएगा झंडा गाड़ के चला आएगा तो ही इज अ डार्क हॉर्स स्टोन्स थ्रो यू कैन कम एंड मीट मी बिकॉज माई हाउस इज एट अटोन्स थ्रू फ्रॉम द स्कूल स्कूल के पास में ही मेरा घर है तुम चाहो तो मुझसे आकर के मिल सकते हो आगे देखें थर्टीन है होल्ड द की मान चाबी है चाबी अगर आपके मुट्ठी में है तो जाहिर सी बात है कि ताला आपके कंट्रोल में जैसे आप चाहेंगे वैसा ही होगा तो होल्ड मतलब पकड़े ना चाबी को यानी कि कंट्रोल में रखे रहना सिचुएशन को कहीं है टू हैव कंट्रोल ऑफ समथिंग एग्जाम्पल देखें बिकॉज द टू मेन पार्टीज हैव वन ऑलमोस्ट इस बीच में गैप हो गया थोड़ा सा सॉरी फॉर दैट क्योंकि बिकॉज का मतलब क्योंकि द टू मेन पार्टीज हैव वन ऑलमोस्ट द सेम नंबर ऑफ वोट्स दोनों ने लगभग लगभग बराबर वोट्स पाए हैं क्या दिया द मेजोरिटी ग्रुप होल्ड जो गुप जिस जो मेजोरिटी में है वो होल्ड करती है द की टू द रिजल्ट तो जो रिजल्ट आने वाला है उस पर कंट्रोल किसका है मेजोरिटी ग्रुप का है तो टू होल्ड द की इफ आई से माई डर फ्रेंड्स नो बडी कैन एंटर बिकॉज आई एम होल्डिंग द की इट मीन्स की कंट्रोल मेरे हाथ में है तो अनलेस आई से डोंट गेट इन आगे फोर्टीन देख लें पे हीड, हीड, जो वर, वर्ण हीड, हीड वर्ण भी है और हीड नाउन भी है तो हीड का मतलब भी होता है किसी चीज का ध्यान देना हीड है और हीड नाउन भी है तो पे हीड या तो आप बोल दिए डायरेक्ट हीड या बोले पे हीड टू तो पे मतलब हीड हीड मतलब होता है ध्यान देना किसी चीज पर अटेंशन देना ध्यान तो पे दो ध्यान किसको टू जो बोला जाए तो पे हीड टू देखिए सलाह चेतावनी आदि पर ध्यान देना ही फेल्ड वो असफल रहा टू तो पे हीड ध्यान देने में टू तो आर एडवाइस मतलब हमने एडवाइस तो दिया लेकिन वो उसे सुन नहीं पाया आगे क्या होगा रीपे ओल्ड डेट नहीं डेट्स की बात तो ही नहीं उधार वगैरह लिसन केयरफुली विद अटेंशन ऑप्शन नंबर टू ऑप्शन नंबर टू इज द करेक्ट आंसर आइए आगे बढ़ते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर मान लेते हैं

तो कहाँ दिया है विड़्ो? यही है। Back out to decide not to do something. इस चीज़ का निर्णय ले लेना ले कि अब नहीं करेंगे। something, कौन सी? जो आपने कहा था यू वुड डू देखे है क्या समथिंग एनीथिंग नथिंग के साथ दैट लगाते हैं तो देखिए इसमें भी ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन फॉलो हुआ है, है थे थे थे। आपने डिसाइड किया कि अब आप वो नहीं करेंगे जो डिसाइड कर लिया नहीं करेंगे जो कि पहले आपने कहा था पास परफेक्ट पहले कहा था कि करेंगे लेकिन अब बोलना नहीं करेंगे यू अग्रीड टू कम तुमने वादा किया था कि तुम यू अग्रीड टू कम तुमने सहमति है तुम आओगे यू कांट बैक आउट नाउ अब तुम पीछे नहीं हट सकते यू विल हैव टू कम एग्जांपल नंबर 16 इसका आंसर करें आप लोग हैव अ चांस चेंज ऑफ हार्ट हार्ट दिल में हो तुम आंखों में तुम बोलो तुम्हें कैसे चाहें। आज ये वाला सीन है कुछ टाइम के बाद दिल में है कोई और आंखों में है कोई और बोलो तुम्हें कैसे छोड़ें चेंज ऑफ हार्ट दिल ही बदल गया दिल बदल गया क्या मतलब अब आपका ओपिनियन बदल गया ओपिनियन बदल गया क्या मतलब क्या कि पहले आपने सोचा था कुछ और करने के लिए बाद में आपका दिमाग बदल गया अगर अटवा विषय तुम्हारे साथ करेंगे दूसरे साथ क्या करेंगे तो आपने क्या बोला चेंज वंस ओपिनियन ओपिनियन फॉल इन लव सम इन लव विद समवन नहीं है आप यू लव विद समवन किसी के साथ मोहब्बत में है बाद में मोहब्बत टूट गया चलो भगो तुम्हारे साथ मोहब्बत करेंगे फर्जी आदमी दूसरे से मोहब्बत करेंगे मेरा विचार बदल गया है हैव योर माइंड शी गोइंग टू सेल हर हाउस वो अपने घर को बेचने वाली थी बट लेकिन कॉन्ट्रास्ट हो गया ना बट हैड अ चेंज ऑफ हार्ट ओपिनियन बदल लिया एट द लास्ट मोमेंट बिल्कुल अंतिम मिनट पे तो हैव अ चेंज ऑफ हार्ट मीन्स वॉट चेंज वंस ओपिनियन अपने विचार बदल लेना अभी जितना हुआ ना सर डबल है और पढ़ लेते हैं हिट अ ब्रिक ब्रिक मतलब क्या होता है ईंट ईटा वॉल मतलब मतलब वॉल ईंट की बनी हुई वॉल पर खूब हिट किए जा रहे हैं क्या होगा सक्सेस मिलेगा कुछ नहीं होगा बल्कि चोट आप ही को लगेगा यानी कि ऐसा कोशिश करना मीन्स टू टू पुट योर एफर्ट्स टू डू दैट इज नॉट गोइंग एंड यू आर नॉट गोइंग टू गेट सक्सेस आप एफर्ट्स तो लगा रहे हैं यू विल नॉट गेट सक्सेस सफलता नहीं मिलेगी प्रोग्रेस नहीं होगा कहीं है इसमें नॉट एबल टू मेक एनी प्रोग्रेस दूसरा आफ्टर दैट माय करियर जस्ट सीम टू हिट अ ब्रिक वॉल कुछ घटना घटी होगी आफ्टर दैट उसके बाद जो मेरा करियर है वो क्या हो गया उसमें प्रोग्रेस ही रुक गया मतलब ऐसे कोई सिचुएशन ही नहीं बनेगी जिससे मैं आगे प्रोग्रेस कर पाऊं सो सेवनटीन क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन ऑप्शन नंबर टू एटीन टू सिट ऑन द फेंस 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 समझते हैं आप लोग क्या होता है फेंस नाम कर रहा है क्या वो जो गाँव वगैरह में आप देखते होंगे लोग बना देते हैं क्या बना देते हैं घेरा बना देते हैं घेरा मैं थोड़ा दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको शायद आपको पसंद आए फेंस वही घेरा होता है जिससे कि जानवरों को सुरक्षित रखा जा सके देख लेंगे तो अच्छा रहेगा थोड़ा आप लोगों के लिए है ना भाई सारी चीज़ें यूज में आ रही हैं तो बढ़िया यूज होना चाहिए ना गूगल करते हैं इमेजेस पे आ जाते हैं ये देख रहे हैं आप ये वाला ये सब ये सारी चीज़ें इसी को कहते हैं फेंस

तो ये रहा फेंस आपका तो ये जो लिखा है यहाँ पे कहां पे सिट ऑन द फेंस मतलब कि बाउंड्री है उसी बाउंड्री पर बैठे रहिए अपना ओपिनियन नहीं मत दीजिए ठीक है तुम्हारे साथ जो है ना हो गाँव के पंचायत में जब पांच लोग बैठते हैं दो लोगों का विवाद होता है अगर आपने देखा होगा तो देखते होंगे कि गांव के लोग ही बैठ जाते हैं वहां पे तो गांव के लोग अपना ओपिनियन नहीं देते हैं क्योंकि उस ओपिनियन के लिए वही लोग उसमें अपना ओपिनियन देते हैं जो लोगों को बुलाया जाता है बाकी लोग सिट ऑन द फेंस देखते हैं क्या चल रहा है डिसाइड वो कुछ भी नहीं करेंगे उसमें अपना ठीक है

तरफ तरफ हो, ले रहे हो, ये तुमको डिसाइड करना पड़ेगा ठीक है तो यह रहा दूसरा वाला एटीन आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा फीस ये वर्ड तो सुना ही होगा फीस आपने फीस वैसे नाउन भी होता है फिस्ट वर्क भी होता है अगर फिस्ट नाउन है तो इसका मतलब होता है दावत अलॉट ऑफ मिल बुलाया गया जाकर ठूंसने के लिए आप जाएंगे ठूंसेंगे और आएंगे वर्ब का मतलब क्या होता है वर्ब के केस में वही हो जाएगा अपना टू ईट अलॉट ऑफ फूडे नीचे दिया ना टू ईट अलॉट ऑफ गुड फूड एंड एन्जॉय इट वेरी मच द टू ऑफ us, फिश का एग्जाम्पल हम दो, दोनों दोनों के दोनों लोग हैं Feasted ऑन स्मोक्ड सैमन सैमन इज अ काइंड ऑफ फिश टेस्टी होती है सैमन स्मोक्ड मतलब उसको पकाया गया भुना गया है खाने वाला बहुत मजा आया खा करके तो feast का मतलब भी खाना ही है टू तो फीस्ट वर्ग अब ये इडियम बन गया वंस आई ऑन अपनी आंखों को कहीं पे फिस्ट रखे रहना मतलब कि खूब घूरते रहना देखते रहना ठीक है ना समझ पाए आप लोग तो गेज एड टकटकी लगा तो देते टू गेज एड समथिंग विद प्लेजर ऑप्शन नंबर टू गेज एड समथिंग विद प्लेजर ठीक है तो सही ऑप्शन ये रहा गेज का मतलब क्या था टू तो तो लुक स्टेडली फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉर अ लॉन्ग टाइम का मतलब टकटकी लगाया किसी को ऐसे देखते रहना ठीक है आइए आगे देखते हैं इसमें ट्वेंटी कोल्ड कम्फर्ट कोल्ड कंफर्ट का मतलब होता है आपका कि कोई चीज न बराबर मतलब आरामी न मिलना आपको कोल्ड कंफर्ट एग्जांपल अनबेरेबल वेदर नहीं है एन्जॉयमेंट इन हिल्स नहीं है वेरी सुदिंग नहीं है वेरी लिटिल क्या दिया है उसी को लिखा है मैंने इफ यू से दैट अ स्लाइटली एनकरेजिंग फैक्ट और इवेंट इज कोल्ड कंफर्ट मतलब कोई चीज है समथिंग इज कोल्ड कंफर्ट टू समन अगर कोई चीज़ भी मैंने बोल दिया कि इट इज कोल्ड कम्फर्ट टू समन कोल्ड कम्फर्ट टू यू इसका मतलब क्या है यू मीन दैट इसका मतलब इट गिवस दैम लिटिल और नो कम्फर्ट मतलब कि आपको ये चीज आराम दे ही नहीं रही है कोई चीज है अगर वो कोल्ड कंफर्ट टू यू है तो इसका ये मतलब मैंने बोल दिया कि डीलिंग विद बैड स्टूडेंट इज कोल्ड कम्फर्ट टू मी मतलब कि बहुत कठिन काम है मेरे को आराम नहीं मिलता मेरे को आसान नहीं है उसे डील करना बिकॉज देयर सिचुएशन इज सो डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट क्योंकि वो डिफिकल्ट है डिफिकल्टीज फिगर्स में लुक गुड ऑन पेपर पेपर पे कोई फिगर से कुछ आंकड़े हैं वो आंकड़े आपको अच्छे दिख सकते हैं बट आर कोल्ड कम्फर्ट लेकिन उतने आसान है नहीं टू द the जो पर रहने वाले लोग हैं उनके लिए वो उतने आसान नहीं जितना पेपर पे आपको दिखाई दे रहा है पेपर पर तो बहुत सारी चीजें होती रहती हैं आइए आगे, आगे देखते हैं ट्वेंटी वन कैट पॉ कैट मतलब पॉ मतलब पंजा बिल्ली के पंजे में होना चूहे को बिल्ली ने पकड़ लिया अब बिल्ली जैसे चाहेगी वही करेगी यानी कि इन कंट्रोल ऑफ किसी कंट्रोल पर्सन यूज एज ए टूल बाई अनादर जाहिर है किसी कंट्रोल में तो जैसे वैसे आपको यूज करेगा इन द लाइम लाइट लाइम लाइट समझते हैं समझ जाएंगे तुरंत अभी जानते होंगे फोकस पॉइंट होना होता है अटेंशन ऑफ पब्लिक

निकोट देना का मतलब क्या है उसको शुरू होने से पहले ही खत्म कर देना बढ़ने ही ना देना टू तो डिस्ट्रॉय लेट नॉट टू डिस्ट्रॉय टू कट इन द बट टू डिस्ट्रॉय अर्ली समय से पहले उसको जो है मसल देना है कि नहीं आप लोग भी मुस्कुरा रहे हैं कूल एज क्यू कम्बर क्यू कंबर समझते हैं क्या होता है खीरा होता है ककड़ी जिसे कहते हैं आप लोग इसका मतलब होता है काम एंड कंपोस्ट एज कूल एज क्यू कंबर मतलब उतना ही ठंडा जितना के, मतलब है कि कोई खराब सिचुएशन आने के बावजूद भी इफ यू आर रिलैक्सड यू आर काम माइंडेड पर्सन पीपल विल से द पर्सन इज वेरी गुड इवन इफ इज फेसिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम इन हिज लाइफ ही इज और ही रिमेंड एज कूल एज क्यू कम्बर तो काम एंड कम्पोज कम्पोज एजेक्टिव इसका मतलब देख इन कंट्रोल ऑफ योर फीलिंग्स मतलब फीलिंग्स को अपने वश में रखना इवन ड्यूरिंग द इलेक्शंस चुनाव के दौरान जितने तनाव होता है लोगों को जोश वॉज

जाओ खोज के बाल निकालो उसमें से कैसे बाल निकालेंगे आप तो बटर में से एयर को हेयर सॉरी हेयर को निकालना एक बड़ा डिफिकल्ट टास्क है एक डिफिकल्टास्क चैलेंजिंग निकलेगा नहीं मिले खोजते रह जाएंगे उसमें आप तो वही दिया हुआ है आपका अ हेयर इन द बटर फ्रेज है आपका यूज टू रेफर ये क्यों यूज किया जाता है दिखाने के लिए टू चैलेंजिंग और अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम और सिचुएशन आई एम शॉर्ट साइटेड मैं शॉर्ट साइटेड हूं थोड़ा कम दिखता है सो फॉर गेटिंग माई ग्लासेस मतलब इसी वजह से चश्मा अगर मैं भूल गया हूँ तो इज अ रियल हेयर रियल हेयर इन द बटर फॉर माई साइट मतलब जो दिखाई नहीं देगा एक चैलेंजिंग टास्क हो जाएगा मेरी आंखों के लिए तो आंखें देख ही नहीं पाएंगी वेयरिंग मास्क एंड वर्किंग आउटसाइड इन द हॉट वेदर मतलब बहुत ही गर्म मौसम में मास्क पहनना और बाहर काम करना हैज प्रूवन एक्चुअल प्रूवन जो होता है ना एडजेक्टिव होता है हालांकि मैंने कैम्ब्रिज या कॉलेज टेक्निशियन निकाला इस सेंटेंस को ये प्रूव्ड होता ना तो ज़्यादा अच्छा होता है ठीक है वहां लिखा है प्रूव्ड टू बी अ हेयर इन द बटर फॉर लेबरर्स मतलब जो लेबर भाई इंसान तो इंसान होते हैं ना खूब धूप है अब कहा गया मास्क लगा लीजिए पसीने आ रहे हैं प्यास लग रही है सांस नहीं ले पा रहे हैं आप अब बाहर काम कर रहे हैं तो इट इट वुड बी अ हेयर इन द बटर मतलब इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग टास्क फॉर यू राइट आए थोड़ा आगे बढ़ते हैं ट्वेंटी के बाद ट्वेंटी सिक्स मनी ईजी मतलब बड़े आसानी से कमा लिया है आपने अब आसानी से काम तो अब दो दो नंबर के धंधे से ही कमा पाएंगे मेक मनी विदाउट मच एफर्ट मे ली टू बेरी टू बेरी द हैचेट बेरी वर्ड है ना बेरी बेरी का मतलब होता है दफनाना किसी को खन के गाड़ देना हैचेट मीन्स अ काइंड ऑफ एक्स मतलब कुल्हाड़ी मान लेते हैं गाँव में कोई एक गाँव है जहाँ पचास साल से एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ है मतलब लड़का पैदा नहीं हुआ है सिर्फ लड़कियाँ लड़कियाँ पैदा हुई हैं अब उसी गांव में पचास साल में सौ साल से एक भी लड़का पैदा नहीं हुआ है अचानक से एक लड़का पैदा हो गया अब कुछ और मैं सोचिएगा इस अब वो लड़के को गांव का इतना प्यार मिल रहा है अरे मेरा लाल कुलाढ़ी चाहिए ले पकड़ कुलाड़ी अब वो कुल्हाड़ी ले करता क्या इतना मुलग्गा हो गया है वो कहीं भी जाता है काट देता है किसी का भी मतलब कोई गाय खड़ी है उसका पूछ काट देता है कोई कुत्ता खड़ा है उसका नाखून जाकर पैर काट देता है कोई बच्चा अगर है खेल रहा है छोटा सा कोई लड़की मतलब है कोई आदमी सोया हुआ है जाके बाली छिलकी जलाता है कुल्हाड़ी से अब लोग एकदम परेशान अब गाँव में चूंकि एक ही लड़का हुआ है सौ साल में लोग मार भी नहीं सकते तो करते क्या है कि चलो सुला दो झगड़ा so, हो तो होगा ना तो नुकसान करेगा तो चलो उसके हैचेट को so, कुल्हाड़ी को दफना दो जब दफना दो मतलब जमीन में गाड़ दो ना रहेगा कुल्हाड़ी न काटेगा का हो ना होगा झगड़ा झगड़े का अंत टू बेरी ऑप्शन नंबर टू है टू फाइट शाई ऑफ मतलब किसी काम को करने से कतराना दूर भागना यानी टू ट्राई टू अवॉइड समथिंग ऑप्शन नंबर टू टू की आदत होती है एकदम मुंह बात करेंगे भैया मुंह बद्दू मार रहा है तुम्हारा पता नहीं कितने ब्रश किया बोल ले ले चला रहा है दूर होकर बात किया करो मतलब किसी को कम फ्रेंडली होने देना अवॉइड बींग फ्रेंडली विथ समर्म एक हाथ की दूरी से बात करो भैया ठीक है आगे आते हैं स्टिकी फिंगर्स स्टिकी कुछ लोग होते हैं जहां भी जाते हैं चुरा ले के लेके चले आते हैं तो उनका फिंगर स्टिकी फिंगर जाकर चिपक जाता है किसी चीज में उठा ले के लेके चले आते हैं चोरी की प्रवृत्ति होना झुकाव होना ये जो इंक्लाइनेशन और टेंडेंसी वर्ड है ना दोनों का मतलब सेम ही है झुकाव होना किसी चीज़ का किसका चोरी का तो ऑप्शन नंबर वन टू होल्ड वाटर पानी अपना मेंटेन रखना मतलब जरा पढ़िए तो टू बी वैलिड एंड रीजनेबल टू होल्ड वाटर मतलब क्या क्या आपने जो बात कही है उस बात की वैल्यू है रीजनेबल है मतलब जो आप बोल रहे हैं इट इज स्पोकन विद अ प्रॉपर लॉजिक राइट टू होल्ड वाटर थर्टी वन आगे थर्टी तो प्ले आपसे आग के साथ खेलना, आग के, साथ खेलना का मतलब क्या है? आग के साथ कौन खेलता है तो बदतमीजी है टू मतलब फूकना ऐसे होता है ना बजाते हैं बारात वगैरह में देखे होंगे दिखाई देता हूं ट्रम्पेट आप लोगों को मैं आजकल यही शब्द मैं दिखाता हूं ट्रम्पेट मिटता नहीं है क्या ट्रम्पेट आया अच्छा लगेगा आपको ट्रंपेट देख रहे हैं नहीं। जब योद्धा वगैरह युद्ध करके आते हैं ठीक है ना तो नगाड़ा बजता था उनके आने पे कोई जंग जीत के घर आए अब मान लेते हैं कि आप कहीं बाहर के काम करके आए तो कुछ लोगों की आदत होती है आते आते, आते आया पता आया है हम गए थे तो, तो आज ये कर दिए वो कर दिए घर में खाना बना दे महिलाओं ने अच्छा बनाया ना हाँ बार बार अरे हम तो अच्छा बनाते हैं आप नहीं बोले जा रहे अच्छा दाल नहीं अच्छी लगी क्या रोटी तो जरूर अच्छी लगी होगी आज बहुत मेहनत किया है मैंने बनाने में अपने मुंह मिया मिट्टू बनना मतलब अपने खुशी करना नगाड़े को खुद बजाना इसे को बजाया जा रहे हैं खुद ही आए खुद ही बजाने लगे तो ब्लो ब्लो मतलब वंस ओन ट्रम्पेट ट्रम्पेट अपना खुद ही बजाना यानी अपने मुंह से अपनी तारीफ खुद करना ऐसा होता है तो अपने तो बोस्ट मतलब होता है हाँकना डेंगे हाँ अबाउट वंस ओन क्वालिटीज अपने क्वालिटीज के बारे में खुद ही माहौल बनाना थर्टी का पहला होगा आइए आगे देखते हैं अनेक इन द ग्रास घास के बीच में एक सांप आप क्रिकेट में मैदान में हैं या फिर आप कहीं पर भी, भी हैं कोई गेम खेल रहे हैं गेम खेलने के बाद थक गए तो आप ढूंढते क्या है बैठने के लिए घास के आराम से बैठे घास थोड़ी बड़ी बड़ी हो तो घास को ना दोस्त समझते हैं आप जाके बैठते हैं लेकिन आपको क्या पता उसी के अंदर एक सांप बैठा हुआ है आपको जाते काट लिया है आपको तो स्नेक इन द ग्रास आप घास को तो दोस्त समझ के बैठे लेकिन उसके अंदर सांप था यानी कि कुछ कमियां थी काट लिया कि एक ऐसा एनिमी जो आपको दिखाई ना दे तो अगर आप छुपा हुआ दुश्मन है जिसको तुम अच्छा समझते हो। में वही जो है कि तुम्हारी जड़े काटने में लगा हुआ है ठीक है आइए जरा एक और देखते हैं स्मूथ सेलिंग। सेलिंग हैं क्या होता है नाव चलाना स्मूथ सेलिंग का मतलब क्या है बिल्कुल जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं जो करंट uh, है रिवर की उसी डायरेक्शन में है ऐसे उतराव चढ़ाव बहुत ज्यादा नहीं है नदियों में या समुद्र में आप आराम से चला के लेके चले आए यानी कि ईजी डन कोई काम हो जाना काम मतलब ईजी इजी प्रोग्रेस आप आगे बढ़ते हैं बी स्मूथ अच्छा ये क्या है आपका एक एजेक्टिव फ्रेज है बी बी मतलब इज एम एमर वॉज वेलिंग टू बी ईजी एंड विदाउट प्रॉब्लम वंस वी गॉट आउट ऑफ रश आर ट्रैफिक जब हम लोग रश आर ट्रैफिक समझते हैं आप लोग ट्रैफिक तो कई तरह के हैं रश आर का मतलब होता है कि जैसे कि जो जॉब वाली टाइमिंग होती है वर्किंग टाइम लोग या तो सुबह जाते हैं ऑफ़िस या फिर शाम को निकल के वापस आते हैं तो दोनों टाइम में भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है ट्रैफिक वगैरह में जैसे मुंबई वगैरह में जाएंगे तो सुबह सात बजे से लेकर के रात को आठ नौ बजे तक खूब भीड़ रहता है तो सात से लेकर दस के बीच लोगों को ऑफिस जाने का टाइम होता है शाम को पाँच बजे से लेकर के रात को नौ दस बजे तक लोगों को वापस आने का टाइम होता है तो रश आर इसे कहा गया एक जनरल टाइम अगर ले गया तो रश आर ट्रैफिक जैसे हम बाहर होते हैं इट वॉज़ स्मूद सेलिंग मतलब कि काम बड़ा ही आसान हो जाएगा प्रोग्रेस इज रेस्ट ऑफ द वे होम जैसे कि आप बस से जाते हैं कहीं कहीं ऐसा जाम लग जाता है तो बोलते हैं चलो इस मोहल्ले से बाहर निकल जाएंगे या इस रश आर से बाहर निकल जाएंगे इस ट्रैफिक से बाहर निकल जाएंगे तो आगे का रास्ता तो आसान है हाईवे है अलाहाबाद वाराणसी हाईवे अच्छा हाईवे है तो ये बन गया आपका अच्छा ईजी प्रोग्रेस होना किसी चीज़ में ये देखिए ऑन पर्पज़ अब ऑन पर्पज़ का मतलब जाहिर सी बात है कि आप किसी काम को कर रहे हैं तो लग बाई चांस तो नहीं हुआ

इट वॉज अ लाइविश बर्थडे पार्टी ओ माई गॉड लाइविश शानदार बर्थडे पार्टी थी एंड आई कुड सी माई फ्रेंड और मैं देख सका अपने दोस्तों को मैंने अपने दोस्तों को क्या देखा ईट लाइक अ हॉर्स ईट लाइक अ हॉर्स का मतलब होता है बहुत ज़्यादा एकदम चपर चपर घापुर घापुर खाना छाँप के एकदम खा के ले आना होता नहीं है क्या फ्री का कोई चीज मिल गया तो सुबह से खाते ही नहीं है सुबह जब जाते हैं वहाँ पर शाम तक पेट आपका ऐसे रहता है बिल्कुल फ्लैट रहता है जब आप वहाँ से आते हैं तो ये पेट ऐसे हो जाता है और थोड़ा ऐसे मतलब बेल्ट मारते लटक जाता है ऐसा होता है क्या बहुत ज्यादा खाना अच्छा दो हैं ईट लाइक हॉर्स एंड ईट लाइक वेरी लिटल बहुत कम खाना है तो दोनों दिमाग में रखे रहेगा ठीक है चलिए सेवेंटी तक कहते हैं दो हजार इक्कीस टीयर वन ट्वेंटी ट्वेंटी वन कि जितने भी ईडीएम्स थे आई हैव डन इट अभी आपको याद करना है बस अभी ही मिलते हैं आपका हमारा जेरा लेबू अब अगले वीडियो मिलेंगे आपसे